मयूरेश बताइए आपका ट्रेड। अर्चिता जी आफ्टरनून, बीरू जी एंड आफ्टरनून टू द पैनल। तो हमारी जो ट्रेडर्स मिड स्टॉक मार्केट्स पर इंडिया टीम है उसको हाइकल लिमिटेड काफी ठीक ठाक लग रहा है। अगर आप नतीजे देखें अर्चिता जी, तो ना सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर सारे पैमानों पे रेवेन्यू ग्रोथ हो, एबिटा परफॉर्मेंस हो, एबिटा मार्जिन हो, बॉटम लाइन की ग्रोथ हो, काफी तगड़ी ग्रोथ रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक बिजनेस कॉन्स्ट्रक्ट है हाइकल का, 65% फार्मास्यूटिकल से आता है और 35% क्रॉप प्रोटेक्शन से आता है। हमने ये रिजल्ट सीजन में देखा है कि जो क्रॉप प्रोटेक्शन वाली बिजनेसेस हैं, जो एग्रोकेमिकल वाली बिजनेसेस हैं, सिलेक्टिव फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस हैं, यहाँ पे अर्निंग्स ठीक ठाक रही है और एक्सपेक्टेशन यही है कि अगले कुछ तिमाहियों तक अर्निंग्स ठीक ठाक रहेंगी बिकॉज डोमेस्टिक साइक्लिकल्स विल कंटिन्यू डूइंग वेल इन आवर ओपिनियन स्पेसिफिकली इन दीज सेक्टर्स। जो बेटा मार्जिन का परफॉर्मेंस रहा है 16.5% का पिछले तिमाही में, फर्स्ट हाफ में 15.5% इज रिलेटिवली बेटर देन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ। जो सीडीएमओ प्रोजेक्ट्स है फार्मास्यूटिकल सेगमेंट के लिए दैट इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल और आई थिंक जो आउट परफॉर्मेंस आई थी वो फार्मा से आई थी। क्रॉप प्रोटेक्शन वाला सेगमेंट में इन्वेंट्री कंसर्न जरूर थे पिछले तिमाही में, बट दैट शुड गेट एड्रेस्ड और कहीं ना कहीं आई थिंक इन द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स जैसे रावी सीजन की स्टार्ट रही है इट शुड बी एड्रेस क्वाइट मीनिंगफुली, जो एबिट पे एक पॉजिटिव प्रभाव ला सकती है। बहुत सारा डेट बुक्स पे है नहीं, एक्सपेक्टेशन यही है कि अर्निंग्स ग्रोथ काफी सुपीरियर रह सकती है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फार्मा एंड क्रॉप प्रोटेक्शन एंड हाइकल। तो हाइकल काफी पसंद है। नरेश जी बताइए मिड कैप फंडा। तो अर्चिता जी आई थिंक ट्रेडर्स पे टीम को हमारे अवंती फीड्स काफी ठीक ठाक लग रहा है करंट लेवल से। दो तीन चीजें, एक आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन है श्रिम्प प्राइसिंग की ये काफी स्टेबल रहनी चाहिए। दूसरी चीज आई थिंक जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेबल रेवेन्यू ग्रोथ ये भी ठीक ठाक रहना चाहिए विद इम्प्रूव्ड एबिटा मार्जिन्स। इनफैक्ट अगले दो वर्षों के लिए एबिटा मार्जिन्स 10% के ऊपर निकल जाने चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक जो काउंटर अवेलिंग ड्यूटीज यूएस ने इम्पोज किए थे कुछ तिमाहियों पहले, बट स्पेसिफिकली आई थिंक जो दूसरे देशों पर भी इम्पोज हुए थे, इक्वेडर हुआ, वियतनाम हुआ, इंडोनेशिया और डिफरेंशियल रेट्स पे, हमें लगता है आई थिंक इंडिया प्रॉब्ली इज एट अ बेटर पोजिशन व्हेन इट प्रॉब्ली कम्स टू दिस। और जो ये फोरे कर रहे हैं पेट फूड में, फिश फीड बिजनेस में, वहां से भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी मिलती है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एडेड रेवेन्यू स्ट्रीम्स। कैश रिच बैलेंस शीट है, आरओईज में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट विद एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो एक मोमेंटम कॉल होगा बट वो कॉल अवंती फील्ड्स पे। मयूरेश जी आपका व्यू जी हमारे एयरपोर्ट्स पे इंडिगो पे क्या पिक करना चाहिए इस जो आने वाला सीजन है दिसंबर नवंबर के लिए? दोनों आई थिंक मोमेंटम के हिसाब से ठीक ठाक है। आई थिंक जो रोहन बता रहे थे और जो मैक्रो टेलमेंट्स है 40-50 नए एयरपोर्ट होने वाले हैं जी फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। आज आप प्राइसिंग देखिए, प्राइसिंग हैज बिकम वेरी वेरी कॉम्पिटेटिव। आज अगर आप फर्स्ट क्लास टिकट निकालते हैं रेलवे का और एक नॉर्मल साधारण इकोनॉमी क्लास टिकट निकालते हैं रूट के लिए तो बहुत ज्यादा प्राइसिंग में फर्क है नहीं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, अर्बन स्पेंडिंग हालांकि थोड़ी सॉफ्ट है अभी बट जनरली ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स डायनेमिक्स बदलेंगे। दूसरा आई थिंक जो कोर डायनेमिक्स है इन टर्म्स ऑफ क्रूड एंड क्रूड डेरिवेटिव्स, क्योंकि ईवी का इतना ज्यादा एक अडॉप्शन होने वाला है अगले कुछ वर्षों के लिए, क्रूड एक रेंज में रहेगा जिसकी वजह से इनपुट कॉस्ट का मार शायद एविएशन कंपनी को आए ना। तीसरी बात यही है कि जो नई फ्लीट आएगी अगले 2-3 वर्षों में, एयर इंडिया मंगा रही है, इंडिगो मंगा रही है, माय ओन एक्सपेक्टेशन इज दैट आई थिंक विद बेटर फ्लीट्स जो एक यूटिलाइजेशन लेवल्स बढ़ सकते हैं और जो प्राइसिंग स्टेबल रहेगी उससे और भी इजाफा मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। फॉर जीएमआर अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस आई थिंक जो इनका टेक प्लेटफॉर्म का स्टैक ये डेवलप कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड मास इन टर्म्स ऑफ एन एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम टू देयर एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। सो शायद दोनों कम स्टॉक्स में आई थिंक मोमेंटम बरकरार है। जी आपका सेंस क्या कहता है, कुछ कैरी करना चाहिए? और आई थिंक ये जो न्यूज फ्लो है ये सडनली एकदम ही डिफरेंट सेटअप शायद हमको दे रहा है ग्लोबल सेटअप, आपकी राय? सेंस ये बना चुके थे कि अब एक ब्रेक थ्रू होगा इसमें, इस वॉर के बीच में, मतलब यूक्रेन रशिया, ये तो एक नया आई थिंक ट्रिगर हो गया, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था नेगेटिव ट्रिगर। नहीं बिल्कुल, और वीरू जी मुझे लगता है आई थिंक लेट्स वेट फॉर क्या डेवलपमेंट्स आते हैं क्योंकि आई थिंक द नेक्स्ट 48 आवर्स आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रिटिकल कि रशियन रिस्पांस क्या रहता है ये सारे मामले में। और इसलिए आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स बहुत जिटरी हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ द रिस्पांस। जो इनिशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहा हूँ आई थिंक वो उत्साहजनक नहीं है, जो वेबसाइट्स पे ऑब्वियसली आई थिंक अनवेरीफाइड अनसोर्स्ड होंगे, बट उत्साहजनक नहीं है जो रशियन इनिशियल रिस्पॉन्स है वो।
देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स होते हैं, बहुत एग्रेसिव ये मार्केट्स में रहने की जरूरत नहीं। भैरेश आपकी राय क्या है, कन्विंसिंगली इस पर कमिटेड रहे? अभी अभी आपने कमेंट्री सुनी, एक्सपेंशन प्लान्स को सुना, आपने 2030 के लिए उनके रूम एडिशन टारगेट्स को सुना, ये स्टॉक के डिफरेंट ट्रेजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को? बिल्कुल हो सकता है गुरुजी, एंड अगेन आई थिंक अगर आप होटल इंडस्ट्री का पूरा कॉन्स्ट्रक्ट देखें तो आई थिंक जितनी ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं जो होटल रूम्स की जरूरत पड़ेगी अगले कुछ वर्षों के लिए, आई थिंक वी आर डीपली अंडर पेनिट्रेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। जो इंडियन होटल्स एक प्रेजेंस बिल्डअप कर रही है प्रीमियम, मिड प्रीमियम और एंट्री लेवल होटल्स में थ्रू देयर वेरियस ब्रांड्स, आई थिंक बहुत एक स्ट्रेटेजिक वे में अप्रोच कर रहे हैं पूरे मार्केट्स को एंड ऑब्वियसली डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री एज वेल, और जो उनके ओवरसीज ऑपरेशन भी है। कैश रिच बैलेंस शीट एडेड एडवांटेज है, जैसे मैनेजमेंट ने कहा अगर कोई डिस्ट्रेस एसेट इनके नजर में आती है और स्ट्रेटेजिकली बैठती है तो कहीं ना कहीं आई थिंक अक्वायर करेंगे विदाउट एक्सेसिव लेवरेज ऑन देयर बैलेंस शीट। जनरली आई थिंक जो स्पेंडिंग पैटर्न्स बनने वाले हैं, आई थिंक आई वाज जस्ट रीडिंग अ कपल ऑफ रिपोर्ट्स, जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स बढ़ेंगे दे कैन बिकम 3x ऑफ व्हाट इट इज ओवर द नेक्स्ट 5 years। मैक्सिमम बल्क ऑफ दैट स्पेंडिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन हेल्थ केयर, ट्रैवल एंड क्लोथिंग। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हेल्थ केयर को छोड़ के ट्रैवल और एटल्स को अगर हम देखें इसमें एक जबरदस्त इजाफा होने वाला है इंडियन होटल्स एक लीडरशिप पोजीशन में वेरी वेरी।